नवरात्र के अवसर पर रायपुर स्थित महामाया मंदिर में हो रहा है रुद्र महायज्ञ का आयोजन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर की आराध्या नगर देवी मां महामाया के मंदिर प्रांगण में गुप्त नवरात्र के पावन अवसर पर रुद्र महायज्ञ का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है। मां महामाया मंदिर पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा आयोजित यह रुद्र महायज्ञ आचार्य राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी के आचार्यत्व में संपन्न होगा। आइए इस आयोजन की जानकारी लेते हैं आचार्य राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी से। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द हॉकर न्यूज की टीम पहुंची हुई है रायपुर नगर की नगर आराध्या देवी मां महामाया के दरबार में, जहां गुप्त नवरात्र के पावन अवसर पर रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस रुद्र महायज्ञ के विषय में जानकारी लेते हैं और चर्चा करते हैं इस यज्ञ के यज्ञाचार्य थान कमरिया निवासी आचार्य राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी से। आइए जानते हैं कि क्या है यज्ञ की विधियां और किन किन मंत्रों के साथ इस यज्ञ में आहुति दी जाएगी और भगवान रुद्र को प्रसन्न किया जाएगा। महाराज जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। का है महाराज जी रुद्र महायज्ञ, कौन सा विधि से इमा भगवान के अर्चना होते भगवान पर आहुति प्रदान करे जाते? ठीक, ये क्या है महारुद्र याग है ये जी, और महारुद्र याग में प्रधान आहुति होती है नमक चमक से जी, जो यजुर्वेद का ही अंग है ये अष्टाध्यायी जी, शुक्ल यजुर्वेद का जी, तो अष्टाध्यायी से नमक चमक से इसका विधिवत जी जिस प्रमाण में आहुति होनी चाहिए उस प्रमाण से होता है इसमें, और रुद्र भगवान का अर्चना होता है। महाराज जी, मैं बोर्ड में देखे हूँ कि कल अग्नि जो है मंथन हुई है ना, अग्नि नारायण के प्रज्वलन हुई, तो इसे मतलब लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करे जही, का है वो विधि, कैसे अग्नि प्रज्वलित होते, का की वो लकड़ी रहते, विषय में बताओ। ठीक, इसमें क्या है कि प्राचीनतम हमारे ऋषि मुनि लोग, पहले ये सब विविधता नहीं थी, विज्ञान का उतना पक्ष विशेष इनका अभ्युदय नहीं हुआ था, उस समय में काष्ठ के घर्षण से ही अग्नि को उत्पन्न करते थे और वो सहज में ही उत्पन्न कर लेते थे। अग्नि के उत्पन्न के लिए अरणी काष्ठ को, अरणी लकड़ी को प्रधान माना गया है, इसे शीघ्रातिशीघ्र अग्नि उत्पन्न होता है, और दूसरा उसका प्रतिनिधि रूप पीपल का लकड़ी है, तो पीपल से या अरणी से अपना अग्नि उत्पन्न करते हैं। पुराना परंपरा है, यज्ञ में भी पहले उसी से अग्नि का उत्पत्ति करते थे, इस कारण से अभी तक क्यों अपना यज्ञ प्रथम भाई शुद्ध अग्नि है, क्यों अपना ये सब आधुनिकरण के युग में वो मसाले से उत्पन्न किया जाए, तो अग्नि अरणि मंथन से ही उत्पन्न किया जाए, ये प्रथा है, उस प्रथा को चला रहे हैं। जैसे कि आप बताइए रुद्र महायज्ञ भगवान शिव ल समर्पित है यज्ञ है, ऐसे का विधि है, का है आज के स्थिति में भगवान शिव के भक्ति के जो क्रम है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं, लोग मन शिव मंदिर की ओर दौड़ा थे, भगवान शिव ल तरह तरह से मना थे, तो कौन सा सरल विधि है जेकर से व्यक्ति भगवान शिव ल प्रसन्न कर सकते? सबसे सरल विधि भगवान शंकर जी की अर्चना में दो प्रकार का कहा गया है जी। वैदिक उपासना में आप मांसोपचारी अपना बड़ा बढ़िया भगवान शंकर जी को, विश्वेश्वर भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो मानसिक पूजा का विधान है उसमें कि आत्मात्मम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, इस प्रकार से। तो ये मानसिक मतलब मन से पूजा करना, हाँ मन से पूजन करना है भगवान का। हाँ। और अगर विशेष कामना हो, पौष्टिक कामना के लिए कि शांति की कामना के लिए, तो खोटसोपचार पूजन का विधान है हमारे शास्त्रों में और वैदिक परंपरा में भी है, दो प्रकार का में जी जी। तो एक प्रकार के ये है खोटसोपचार से, और राजा लोग पहले करते थे, आज भी किया जाता है, तो ये बत्तीसोपचारी पूजन का विधान भी है उसमें। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से किया जाता है जी। एक कथावाचक महाराज जी आजकल बहुत फेमस है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी, और मैं कहूँ कि वो प्रदीप मिश्रा के चलते शंकर जी कि मंदिर लोग मन पहले बना दे और भुला जाए, लेकिन वो प्रदीप मिश्रा के चलते आज शंकर जी के मंदिर है चकाचक दिखा थे, भगवान की बढ़िया पूजा अर्चना हो रहे थे, फूल पान चढ़े थे, दिया बत्ती जले रहे थे, तो आप क्या कहना चाहो प्रदीप मिश्रा जी
जो लोग मा जन चेतना जागृत करी ओकर बाद शिव पूजा के तरफ आज जनता जनता आगे बढ़ा थे, तो का कहना चाहूँ विषय में? इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि धन्यवाद के पात्र हैं प्रदीप मिश्रा जी, क्यों कि शायद मेरे ख्याल से वे गांव-गांव प्रायः घूम करके ये देखे कि शंकर जी का मंदिर बना करके लोग छोड़ देते थे, बना दिए मंदिर क्या करना है हमको, सब वो तालाब में नहाने वाले, नदी किनारे नहाने वाले वहीं पर बना दो मंदिर, अपना पूजा करते रहेंगे। तो भाई कई लोग ये विचार करने लगे जिसका मंदिर वो पूजा करे, तो बिना पूजा का ऐसे ही रह जाता था मंदिर। इसलिए ये सब देख करके ना, और शिव पुराण के माध्यम से और सभी को ये जागरूक किए कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बड़ा सुंदर नारा है उनका, तो इस प्रकार से वो ये बड़ा सुंदर नारा दिए और कम से कम सभी जनों में भक्ति की जागृति हुई इस माध्यम से, और सभी लोग बड़ा बढ़िया पूजा करने लगे। तो एक लोटा जल के साथ साथ में क्या है कि अब कई लोग हैं बेलपत्ता ले लो, फूल ले लो, धूप दीप ले लो, कैसे एक लोटा जल बस चढ़ाएंगे भाई, तो ऐसा है। तो बड़ा सुंदर पूजा हो रही है सब, और मंदिर भी बन रहा है नया नया सब जगह, तो बहुत हाँ बहुत बढ़िया। मतलब शिव पूजा का है छत्तीसगढ़ सैव परंपरा पे चले है, आदिवासी राजा मन रही छत्तीसगढ़ में सैव परंपरा रही, शंकर जी का इतना मंदिर है जुन्ना के मत पूछो। हमर अब ये राजिम के मंदिर तो भगवान राम और सीता के द्वारा स्थापित करे गए कथे, वो कल बड़े प्रमाण का पाबो है ना। अब अगर हम सिरपुर चले जान तो हुआ तो 108 ले ऊपर मंदिर रही सोही कथे, जो शिवलिंग मन वहाँ आवे ते हिसाब से है ना, तो वो परंपरा फिर से जागृत हो थे। तो मैं ये जानना चाहूँ कि आपके यज्ञ के आज कलश यात्रा हो, इसे आज आप मंडप प्रवेश करे हो, अब प्रतिदिन के क्रम का रही यज्ञ के? प्रतिदिन का आज तो हो गया अपना शोभा यात्रा की है और मंडप प्रवेश हो गया है, और 4 से 6 का अपना प्रोग्राम है, सायं 6 बजे आरती का जी। तो उसके पहले वास्तु पूजन करेंगे। अब मंडपांग मंडप का अंग जो है इसमें 16 स्तंभ है, तो स्तंभों का पूजन होगा जी। क्योंकि ये आधार है हमारे मंडप के जी, तो इनका पूजन करके वास्तु पूजन करेंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद। कल का अपना कार्यक्रम रहेगा, सुबह से विप्र लोग अपना फलाहारी लेकर के 8 बजे यज्ञ मंडप में आएंगे, और उसके बाद में पूजन का प्रकरण फिर चालू होगा जी। और ठीक 11 से 12:30 के भीतर में अग्नि प्राकट के अरणि मंथन के द्वारा करके अग्नि प्रवेश करेंगे कुंड में, ये कार्यक्रम है कल का। ओकर बाद फिर कल के बाद फिर काका रही प्रतिदिन के का कार्यक्रम रही जी? प्रतिदिन उसके बाद में अपना आवाहित देवताओं का पूजन, और 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा 1 जून में अपना और 12:30 के पहले तक जी अपना हवन का कार्यक्रम, और दोपहर को विश्राम, और उसके बाद में पुनः 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटा पुनः हवन का कार्यक्रम। जैसे आप बताया कि शुक्ल यजुर्वेद के अष्टाध्यायी से हो ही आहुति करके, तो क्या प्रतिदिन की आहुति ओकरे से होगी? प्रतिदिन आहुति, और सुबह एक कार्य और होगा हमारा रुद्राभिषेक का जी जी। रुद्राभिषेक क्योंकि शिव जी का ये एक अंग है ये यज्ञों में जी जी, और ये गुप्त नवरात्रि है जी। उस हिसाब से शिव और शक्ति दोनों की आराधना, तो उसमें शिव जी का भी पूजन हो गया और शक्ति का भी पूजन हो गया, रुद्राभिषेक भी हो गया, उसके बाद में नमक चमक से अपना आहुति, ये नियमित होगा क्रम में। तो साथियों ये थे इस रुद्र महायज्ञ के आचार्य थान खमरिया वाले आचार्य राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने माँ महामाया मंदिर प्रांगण रायपुर में आयोजित हो रहे गुप्त नवरात्र के पर्व पर आयोजित हो रहे रुद्र महायज्ञ के विषय में जानकारी दी। तो अपने क्षेत्र के इसी प्रकार के कार्यक्रमों की जानकारी के लिए, धार्मिक सामाजिक सामायिक कार्यक्रमों की जानकारी के लिए देखते रहिए द हॉकर न्यूज़। द हॉकर न्यूज़ के पेज को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सोनी के साथ मैं आपका भास्कर राव।